Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
मुझे सुन पा रहे हैं सब? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है गुरुजी? हो
ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविश्वे नमः। नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलोकल्मष नाशाय श्री जानवापते नमः। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्ष लक्षितं कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि। यं प्रवजन्तमनुपेत पेत कृत्यं द्वैपानो विरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयतां सुरतपङ्गुर् मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्पदाम्भुजो श्रीराधा मदनमोहनम्। दिव्यर्विंदनकद्रुमदा श्रीमद्रत्नगर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शील गोविंदेवाय प्रेस्थाल्यभिसिद्यमान स्मरामि। श्रीमनरास रसारम्भि वंशी वटतटस्थिता कर्षन वेणुसनिर्गोपी गोपीनाथ स्युता। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्य शिवतस्य कामादितरंग मध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सभी बोलिए, सभी हाथ उठाकर बोलिए, नहीं तो पानी नहीं आएगा तीन दिन तक घरों में। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी बहुत सारे भक्त नहीं बोल रहे, जो हाथ ऊपर उठाकर नहीं बोलेगा तो देखो 2 महीने का लॉकडाउन और हो जाएगा, इसलिए जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताहपरायण, आज हमारी कथा का ये चतुर्थ दिवस। 3 दिन व्यापी भागवत कथा में हम लोग भगवान के भक्तों की कथा, उनकी महिमा चरित्र एवं भगवान के कुछ अवतारों की कथाओं को श्रवण किया। कल की कथा में हम लोगों ने शिवरा भगवान की कथा को श्रवण किया। वरा भगवान का की बड़ी अनुकंपा है और उनका अवदान है, बहुत सिद्धांत है। आज हम चतुर्थ दिवस की कथा में भागवत के कुछ और प्रसंगों को श्रवण करते हैं। देवताओं और असुर में सब समय परस्पर युद्ध चलता रहता है। भगवान के जय श्री श्री राधा माधव जी की जय। भगवान के प्रसाद की इतनी महिमा है
वो प्रसाद एक पुष्प भी क्यों ना हो, या चरणों में चढ़ी हुई तुलसी हो, या उनका वस्त्र हो, या फिर भगवान को किसी प्रकार से कुछ भी अर्पित की हुई वस्तु क्यों ना हो, उसका इतनी महिमा, उसका इतना महात्म्य है कि उसके प्रति यदि कोई अवहेलना अथवा अनादर हो जाए तो ये भगवत अपराध सूचक हो जाता है। ध्यान से समझना, एक खिला हुआ पुष्प देखने में सुंदर सुगंधित लगता है, परंतु उसकी इतनी महिमा नहीं, जितनी महिमा तब हो जाती है जब भगवान के चरणों में वे अर्पित हो जाए। ऐसे कोई भी कोई वस्तु क्यों ना हो, आप लोग वृंदावन गए होंगे और वृंदावन में लोई बाजार या किसी बाजार में देखेंगे जो दुकानदार ठाकुर जी को विक्रय करते हैं, अर्थात विग्रह बनाकर उसको विक्रय करते हैं, उसको बेचते हैं, तो आप कभी दुकानदार को देखना वो कैसे ठाकुर जी बनाता है, चरणों में अपने पैरों में अड़ाकर और हथौड़ी और हल्की सी वो एक छेनी लेकर उनके नेत्रों को बनाता है, उनकी नाक को बनाता है, उनके कानों को बनाता है। जब तक वो पैर नहीं लगाएगा तब तक वो ठाकुर जी बन नहीं सकते। हम कुछ वर्ष वृंदावन धाम में वास करने का सौभाग्य मिला शारीरिक रूप से ही, तो ये सब क्रियाओं को देखते थे कैसे दुकानदार पैर लगाकर ठाकुर जी को बनाता है। लेकिन एक आश्चर्य की बात देखिए, उसी की दुकान पर एक कोने में गोपाल जी को रखा हुआ है, उन गोपाल जी को वो कभी पैर नहीं लगाएगा। आप अपने ठाकुर जी को ले जाओगे और कहोगे भैया दुकानदार हमारे ठाकुर जी का थोड़े से नेत्र को ठीक कर दो, तो देखना वो पैर नहीं लगाएगा, किसी और एंगल से ठीक करेगा। लेकिन जब वही विग्रह बनाए गए थे उस समय, जो विग्रह बनाए गए थे उस समय पैर लगाकर ही बनाए गए थे। इसका अर्थ क्या है? उसकी दुकान पर 100, 50, 1000 विग्रह ऐसे विग्रह हैं और बनाते ही तो बेचने के लिए, तो उन विग्रहों का वो शीशे में पड़े, कांच में पड़े, लेकिन वो ठाकुर जी को, उन मूर्ति को कोई श्रद्धालु भक्त खरीद कर ले जाता है और फिर प्राण प्रतिष्ठा करके अभिषेक इत्यादि करके सेवा पूजन आरंभ कर देता है। अब जब से सेवा पूजा आरंभ हुई उसके पश्चात कोई भी दुकानदार भी उसको पैर नहीं लगा सकता। क्यों? अब उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा है। अब इसी उदाहरण से हम दो बात को समझने का प्रयास करेंगे। जब तक एक व्यक्ति एक साधारण व्यवहार में, सांसारिक व्यवहार में रहता है, जबकि मनुष्य शरीर का बहुत महत्व है, ये कोई साधारण नहीं, देवता भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए ललायत हो जाते हैं, परंतु ये मनुष्य शरीर में यदि सदगुरु आश्रय किया जाए, गुरु जी मंत्र देकर, शिक्षा देकर, साधन करवाकर, शक्ति संचारित करवाकर, सेवा देकर और सेवा उनसे लेकर हम लोगों को इस योग्य बना देते हैं कि हम भगवान की सेवा कर पाए, शास्त्र अध्ययन कर पाए, तो वह व्यक्ति जो गुरु जी की कृपा प्राप्त है, जिसको गुरु जी की कृपा प्राप्त है, उसको फिर लात नहीं पड़ती। लेकिन उसको छोड़कर
आश्रय लोया भजे ताते कृष्ण नहीं त्यजे आर सब मरे आकारण। जो आश्रय लेकर, गुरु आश्रय लेकर जो भजन करता है उसको कृष्ण कभी त्याग नहीं सकते। आर सब मरे आकारण, और सब जितने वो ऐसे ही मर जाते हैं बस, उनके जीवन का क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं। लेकिन एक भक्त जीवन का बड़ा मूल्य है, वो वैष्णव और वैष्णवी की श्रेणी में आ जाता है। देवता लोग भी वैष्णव से कांपते हैं, ना असुर उनका कुछ बिगाड़ पाते हैं ना देवता उनका कुछ बिगाड़ पाते हैं, दोनों ही नहीं। कैसे? प्रहलाद जी जब अपनी माता के गर्भ में थे तो उस समय इंद्र माता, प्रहलाद जी की माता जो उस समय गर्भवती थी और प्रहलाद जी गर्भ में थे, इंद्र आकर माता का गर्भ नष्ट करना चाहता था, परंतु नारद जी ने आकर सावधान कर दिया, हे इंद्र सावधान, इन माता के गर्भ में जो बालक है वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। सुनते ही इंद्र कांप गया और तुरंत माता की परिक्रमा की और तुरंत वहां से भाग गया। क्यों? इंद्र जानते हैं भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, सब प्रकार के अपराध सहन कर सकते हैं, परंतु एक ही वस्तु भगवान जो सहन नहीं कर सकते वो है उनके किसी भक्त पर कोई अत्याचार करे या प्रहार करे, ये भगवान नहीं सहन सकते। भगवान उस समय पागल हो जाते हैं, कुछ नहीं सूझता। गीता में कह दिया, समोहम सर्वोतेषु नामे दोष्टि अस्ति नामे प्रिया, मैं सबके प्रति एक जैसा भाव रखता हूं, किसी का मित्र नहीं किसी का शत्रु नहीं, बराबर का। परंतु साथ ही साथ ये भी कह दिया, ये भजन तु माम भक्तया, जो मेरा भजन करता है मेरी भक्ति करता है उसके प्रति मेरा स्वाभाविक एक झुकाव अवश्य रहता है। जैसे कोई गुरुजी से कहे, गुरुजी आप पक्षपात करते हो, किसी पर तो स्नेह अधिक करते हो और किसी को आप मिलना भी नहीं चाहते हो, जबकि जैसा भगवान का स्वभाव है ऐसे गुरुदेव का स्वभाव है। गुरुजी पक्षपात नहीं करते, सबके प्रति एक समान रहते हैं। लेकिन विचार करो, जो आपकी सेवा करे, जो दिन रात आपका चिंतन करे, जो सब कुछ आपको देता रहे, अपना तन मन सब कुछ आपको निछावर कर दे, क्या आपका झुकाव उसके प्रति नहीं होगा? जो आपकी सेवा करे सब कुछ करे, क्या झुकाव नहीं होगा? स्वाभाविक है, ये तो एक स्वाभाविक व्यवहार की बात है। बोलते ऐसे ही भगवान इंद्र ये जानते हैं कि प्रहलाद जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए इंद्र तुरंत परिक्रमा करके भाग गया। इसलिए ये बात समझने वाली, जो मैंने मूर्तियों का उदाहरण दिया उससे एक बात और लक्ष्य करना चाहता था जिसलिए ये उदाहरण उठाया गया, वो बात लक्ष्य करने ये है कि वो मूर्ति तो एक पीतल है, एक मेटल है और तो कुछ नहीं, लेकिन उसी मूर्ति में जब प्राण संचारित हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो सेवित हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान को अर्पित की हुई कोई भी वस्तु, भगवान को अर्पित की हुई कोई भी वस्तु वो कोई साधारण नहीं रह जाती, वह वस्तु विशेष मूल्यवान सेवित हो जाती। ये सारी भूमिका मैंने इसलिए बनाई इस बात को समझने के लिए कि इंद्र देवताओं का राजा अपने हाथी पर बैठकर जो जा रहे हैं, इतने में ही दुर्वासा जी भगवान की एक प्रसादी माला, जो भगवान को अर्पित की हुई माला, उस प्रसादी माला को लाकर इंद्र को उसके सम्मान के लिए उसको अर्पण की।
उसको सम्मान के लिए अर्पण किया गया। इंद्र ने भगवान की प्रसादी माला का मान सम्मान किया नहीं और उस माला को हाथी के ऊपर रख दिया। हाथी ने सिर हिलाया, माला नीचे गिर गई और अपने पैरों से माला को कुचल दिया। अपराध हाथी का नहीं, अपराध इंद्र का हुआ। दुर्वासा जी ने देखते ही कि इन भगवान की प्रसादी माला का ऐसा अपमान, दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, जाओ तुमने भगवान की प्रसादी माला का सम्मान नहीं किया, तुम अपनी श्री से हीन हो जाओ, अपनी संपत्ति से हीन हो जाओ। इससे पता लगता है भगवान की किसी प्रकार का प्रसाद क्यों ना हो, उसका कितना आदर कितना मान है। उद्धव जी ने तो यहां तक कह दिया, तब भोक्त सरागंध वस वस अलंकृत चर्चिता उचिष्ट भोजन दास्यम तम मायम जैनमी ही। उद्धव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का प्रसादी वस्त्र पहनता, उनकी प्रसादी माला को धारण किया है, उनका उचिष्ट धारण किया है, अब मुझको भय नहीं माया का, मैं माया को जय कर सकता हूं। इतना पराक्रम, इतना बल दिखाया भगवान के प्रसाद का। अब जो भगवान को अर्पित की हुई वस्तु तो भगवत प्रसाद है, और जहां भगवान को समर्पित किया गया वे भगवान की तदीय वस्तु हो जाती है, अर्थात वे भगवत स्वरूप ही हो जाता है। श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद जो स्वयं श्री कृष्ण ने धारण किया, श्री जगन्नाथ जो श्री कृष्ण है, वे प्रसाद यदि महाप्रभु जी के सामने आ जाए तो महाप्रभु जी उस भगवत प्रसाद को, स्वयं जो श्री कृष्ण है वे महाप्रभु जी उन प्रसाद को प्रणाम करें, उनकी परिक्रमा करें और स्तुति करें कि महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे इत्यादि मंत्र के द्वारा उन महाप्रसाद की स्तुति करें। कौन? स्वयं महाप्रभु जी जो कि कृष्ण है। तो जब इतनी सारी वस्तु अर्पित भगवत स्वरूप ही हो जाए तो विचार करो, जो भगवान के भक्त भगवान को अर्पित हो चुके हैं वह भी भगवत प्रसाद ही है, और उनके चरणों में यदि अपराध हो तो बड़ा भयंकर अपराध है। भगवान के चरणों में अपराध हो तो भगवान क्षमा कर देते हैं, परंतु वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माता उपाड़े व छिंदे शुके जाए पाता, यदि वैष्णव अपराध हो जाए तो भक्ति का जो सुंदर बीज और बीज से जो बगान लगा है, जैसे एक मतवाला हाथी उस बगान में जाकर, उस गार्डन में जाकर, जैसे वो मतवाला हाथी सारे पुष्प को और सब कुछ उखाड़ फेंक देता है, वो तो ऐसे ही वैष्णव अपराध रूपी हाथी, जैसे ही कोई व्यक्ति के द्वारा वैष्णव अपराध हो तो वो भी सब कुछ उखाड़ फाकाड़ के फेंक देता है। इसलिए इस वस्तु से सावधान होने की आवश्यकता है। भगवान के अपराधों में, भगवान के चरणों में अपराध जो उसकी गणना की गई, जिसमें सेवा अपराध, जिनमें नाम अपराध, धाम अपराध, ये सब अपराध की सूची है, परंतु इन सब अपराधों का निवारण हो सकता है स्तव स्तुति करके, हरि नाम करके, प्रायश्चित करके, इन नामों पर इन अपराधों को कोई व्यक्ति पार पा सकता है। परंतु वैष्णव अपराध एक ऐसा अपराध, जो वैष्णव अपराध स्तव स्तुति हरि नाम से भी जिसका निवारण नहीं हो सकता, जिन वैष्णव के चरणों में अपराध किया वहीं पर जाकर क्षमा मांगने से वह संभव हो सकता है। कल के प्रसंग में दुर्वासा जी की कथा में हम ये सुनाए हैं, दुर्वासा ब्रह्मा शिव यहां तक कि भगवान तक के पास पहुंच गए, परंतु भगवान ने भी अम्बरीश जी के पास ही भेजा और दुर्वासा ने अम्बरीश जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की।
और अम्बरीश जी ने उठाकर अपने कंठ से आलिंगन प्रदान किया। अब ये वैष्णव अपराध ही अपने आप में इतना विस्तार इसका है कि यदि इसी प्रसंग को उठाया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। और औरों की तो बात ही छोड़ो, स्वयं महाप्रभु जी की अपनी माता, सच्ची माता, जिनको महाप्रभु जी प्रेम दान नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देना चाहते, बोलते इन्होंने अद्वैत के चरणों में अपराध किया है। श्री अद्वैताचार्य जी के संग से महाप्रभु जी संन्यास लेकर चले गए, महाप्रभु जी के बड़े भाई विश्वरूप भी चले गए। सची माता, वात्सल्य भावमयी माता, अपने वात्सल्य स्नेह के कारण अद्वैताचार्य जी को अद्वैत नहीं द्वैत कहके संबोधन किया। अद्वैत का मतलब जो कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, और द्वैत मतलब जो ईर्ष्या करता है। तो इसलिए अद्वैत, इसने ईर्ष्या की, क्यों, इसके कारण मेरा पुत्र संन्यास लेकर चला गया। महाप्रभु जी इनको अपनी माता को भी प्रेम दान नहीं देना चाहते क्योंकि वैष्णव अपराध हुआ। और यहां तक कह दिया कि जब तक सची माता अद्वैताचार्य जी के चरणों में जाकर क्षमा ना मांग ले और उनकी चरण रज को मस्तक पे ना धारण कर ले, तब तक ये अपराध रहेगा। इसलिए ये भगवान के प्रसाद, जो भगवत भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, ये भी भगवान के प्रसाद हैं। इसलिए सावधान, वैष्णव अपराध से सावधान। अब असुरों को ये बात पता लग गई, असुरों को ये बात पता लग गई कि इंद्र को दुर्वासा का शाप लग गया, इसलिए असुरों ने मिलकर इंद्रलोक पर आक्रमण किया और अपना आधिपत्य जमा लिया। और इसके पश्चात बड़ी विस्तार पूर्वक लीला हुई। उस कारण से भगवान के परामर्श पर देवता असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से विष निकला, महादेव जी ने धारण किया, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सुरभि गाय प्रकट हुई, कौस्तुभ मणि, और फिर धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर आए। असुरों ने वे कलश ले लिया और मोहनी अवतार, भगवान मोहनी अवतार धारण करके देवताओं को तो अमृत पिलाया और असुरों को वंचित कर दिया। ये सब लीला विस्तार पूर्वक है, परंतु देवताओं ने अमृत पान कर रखा है, और असुरों को वंचित किया गया। इसलिए असुरों के जो गुरुदेव कौन, शुक्राचार्य जी, इन्होंने ब्राह्मणों की खूब सेवा करवाई। शुक्राचार्य जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा और भक्तों की सेवा करने से कितना बल और कितनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। भले ही देवताओं ने, अब यहाँ पर जानने, यहाँ पर समझने वाली वस्तु है, देवताओं ने अमृत पान कर रखा है और शुक्राचार्य जी ने असुरों को ब्राह्मणों की, भक्तों की सेवा करवाई, और इससे उनका बल, उनका पराक्रम और अधिक बढ़ गया, और अधिक बढ़ गया। और जब पराक्रम बढ़ा, अब असुरों ने फिर से इंद्रलोक पर आक्रमण किया और इंद्र समस्त देवताओं को लेकर इधर उधर दौड़कर छिप गए। दूसरी ओर असुरों के राजा बलि राजा, अब वे
इंद्र पद पर, स्वर्ग में इंद्र पद पर बैठ गए बलि राजा। ये देखकर देवताओं की जो माता अदिति माता बड़ी चिंतित हो गई। कश्यप जी आए और कश्यप जी ने अदिति माता से पूछा, आप इतनी चिंता में क्यों पड़ी हो? अदिति ने कहा, मेरे पुत्रों का राज्य छीन लिया गया है, मेरे पुत्रों का राज्य छीन लिया गया है, आप मुझको एक ऐसी संतान प्रदान करो जिससे मैं अपने पुत्रों अर्थात देवताओं का राज्य उनको वापस दिला सकूं। कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, दीति और अदिति। कश्यप जी और दीति से सारे असुरों का जन्म हुआ, कश्यप जी और अदिति से सारे देवताओं का जन्म हुआ। पिता एक है, पत्नी दो हैं, इसलिए एक से देवता और एक से समस्त असुर का जन्म हुआ। तो इसलिए अदिति माता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कश्यप जी ने अदिति को एक व्रत के संबंध में बतलाया, जिस व्रत को कोई स्त्री यदि पालन करे तो उनको उन्नत पुत्र की प्राप्ति होती है। अदिति जी ने वह व्रत किया, इस व्रत को कहा गया पयो व्रत, जहां पर 12 दिन तक महिला को मात्र दूध पीकर ही जीवन निर्वाह करना चाहिए, मात्र दूध पीकर ही जीवन निर्वाह करना चाहिए और पवित्रता धारण करनी चाहिए। इसलिए अदिति माता ने यह व्रत किया और व्रत करके कश्यप जी की सेवा की और अदिति माता और कश्यप जी के यहाँ पर एक साक्षात भगवान के अवतार श्री वामन भगवान का आविर्भाव हुआ। बोलो श्री वामन भगवान की जय। अभी भक्त थोड़ा कीर्तन करें, एक थोड़ा सा भजन गा दो, फिर आगे की कथा को श्रवण कर। हरि का भजन करो, हरि के हरि का भजन करो, हरि के hari ke Thank you.
Thank you.
मेरी कथा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी गुरुजी, आ रही है। हरे कृष्ण। अभी अभी कथा के बीच में ही एक बड़ा, बहुत भारी एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। हमारे श्रीपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी, जिन्होंने गुरुदेव की बहुत प्रकार से सेवा की, अभी कुछ ही दूर समय पहले ही इनका तिरोभाव हुआ है। अभी मैं इनके संबंध में अभी कुछ नहीं कहूंगा। कथा के उपरांत सन्यासी ब्रह्मचारी सबसे बात करेंगे और शायद मैं कल ही कुछ कह पाऊंगा। हम सभी महाराज जी को स्मरण करते हैं।
हरे कृष्ण। हम अपनी कथा को श्रवण कीर्तन करते हैं। और जब हमारे ज्येष्ठ महाराज लोग, हमारे सन्यासी वृंद जैसा वो आदेश करेंगे, उनके कहने पर, उनके आदेश पर, तब फिर कुछ और आगे कहने के लिए हम उपस्थित रहेंगे। हरे कृष्ण। भगवान भक्त वत्सल हैं। कभी पक्षपात नहीं करते। हम इसी विषय को श्रवण कर रहे थे। देवताओं का पक्ष नहीं लेते, असुरों का पक्ष नहीं लेते। हाँ, जो भक्त होता है उसका पक्ष और उसके प्रति झुकाव अवश्य होता है। श्री शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज से यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों की, भक्तों की सेवा की करवाई, और इससे असुरों का बल, बलि महाराज का बल और अधिक बढ़ गया। एक और देवताओं ने अमृत पान कर रखा है, और दूसरी ओर बलि राजा ने भक्तों की, ब्राह्मणों की सेवा कर रखी है, इसलिए इंद्र लोक पर आक्रमण किया और इंद्र समस्त देवताओं के साथ कहीं छिप गए। ये सब प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये तो मैं कह ही चुका हूँ शायद अभी, ठीक ठीक रूप में कहने में असुविधा लग रही है। श्री अदिति जी ने कश्यप जी के कहने पर पयोव्रत किया, और कश्यप जी और अदिति जी के यहाँ पर भगवान के अवतार श्री वामन भगवान का आविर्भाव हुआ। समस्त देवता वामन भगवान की जय जयकार करते हुए, उन पर पुष्प वृष्टि करते हुए और सभी प्रकार के वस्तुओं को अर्पण करते हुए, किसी ने उनको आसन प्रदान किया, किसी ने उनको छत्र प्रदान किया, किसी ने पादुका प्रदान की। वामन भगवान कहने लगे, मैं अच्छे से जानता हूँ हे माता, आपने किस कारण से मुझको आह्वान किया है। मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं आपका कार्य करने के लिए उपस्थित हूँ। अदिति माता कहने लगी, आप मेरे पुत्रों का, इंद्र का राज्य, उनको वापस लौटा दीजिए।
हाँ उनके लिए यत्न करके वह राज्य उनको वापस मिल जाए, आप उसके लिए यत्न कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वामन भगवान जैसे तैसे आसन लेकर, पादुका लेकर, छत्र लेकर उस स्थान पर जा रहे हैं जहां पर बलि राजा बड़े बड़े यज्ञों को कर रहे हैं। वामन भगवान का ऐसा तेज निकल रहा है जैसे कोटि सूर्य सम, करोड़ों करोड़ों सूर्य की भांति उज्जवल तेजवान। वामन भगवान जैसे बलि राजा की यज्ञ भूमि पर आए, सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। वामन भगवान जैसे यज्ञ भूमि पर पहुंचे, स्वयं बलि राजा खड़े होकर स्वागत करने लगे, मानो सूर्य देव ही यहां पर चलकर आ गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सूर्य ही यहां पर उपस्थित होकर आ गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बलि राजा ने स्वागत किया, आइए विप्र, आइए ब्राह्मण, उपस्थित होइए। आसन धारण कराया, उनका पूजन किया और कहा कि बतलाइए मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं, आपको क्या भिक्षा दूं। वामन भगवान पूछने लग गए, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर आपसे कुछ मांगने आया, कुछ भिक्षा मांगने आया। बोलते वो तो आपके स्वरूप से ही पता लग रहा है, एक तो ब्राह्मण का वेश और दूसरा हाथ में कमंडल धारण कर रखा है, ठीक ठीक रूप से पता लग रहा है कि आप तीर्थों को पवित्र करते हुए कि तीर्थ कुर्वंती तीर्थानी, सारे तीर्थों को पवित्र करते हुए आप यहाँ पर आ रहे हैं। तीर्थ सभी लोगों को पवित्र करते हैं, परंतु भगवान के भक्त वे तीर्थों को भी पवित्र करने वाले। हरे कृष्ण। 2 मिनट महामंत्र करते हैं फिर कथा सुनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इस प्रकार श्री वामन भगवान बलि राजा से कहने लगे, मैं यहाँ पर कुछ मांगने आया, आपको कैसे पता? वो तो एक तो ब्राह्मण स्वरूप, ऊपर से हाथ में कमंडल धारण कर रखा है, स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि आप कुछ मांगने आए हैं। यदि राज्य की इच्छा है तो आधा राज्य आपको दे सकता हूँ, यदि गायों की इच्छा है तो बहुत गायों का आपको दान कर सकता हूँ, यदि विवाह करने की इच्छा है तो किसी से विवाह भी करवा सकता हूँ। आप बताइए मैं आपकी क्या इच्छा पूर्ण करूं, आपको मैं क्या दूं? वामन भगवान कहने लगे, मैं इसमें से कोई भी वस्तु मांगने नहीं आया, मैं इसमें से कोई भी वस्तु मांगने नहीं आया, मैं तो एक सरल सीधा एक ब्राह्मण, मैं तो तीन पग भूमि मांगने आया, मेरे को तीन पग भूमि दे दो, वो भी अपने चरणों से नाप कर, किसी और के द्वारा नहीं, तीन पग भूमि। बलि राजा हंसने लगे, आप जैसे बोने हैं समझ भी वैसी बोनी ही है, इतने बड़े राजा के पास आए और मांग रहे हैं तीन पग भूमि, इतने में तो ब्राह्मण खड़े भी नहीं हो सकते। वामन भगवान कहने लगे, मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, अर्थात मैं तीन पग भूमि में ही संतुष्ट रह सकता हूं। तो बलि राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको तीन पग भूमि दान देता हूं, लेकिन वामन भगवान कहने लगे, ऐसे नहीं, मैं संकल्प लेकर तीन पग भूमि दान लूंगा, संकल्प लेकर। हो सकता है बाद में
आप ना दे। बलि राजा हंसने लगे, बोलते मैं अपने संकल्प का पक्का हूं, तो भी यदि आपको संकल्प तीन पग भूमि चाहिए तो मैं निश्चित रूप से देता हूं। हाथ में कमंडल से जल लेकर जो संकल्प के लिए उपस्थित हुए, शुक्राचार्य जी आ गए और आकर बलि राजा अपने शिष्य को संकल्प लेकर दान देने के लिए रोकने लगे। बोलते बलि, तुम जानते हो ये कौन है जो यहाँ पर तीन पग भूमि मांगने आया? ये विष्णु है, विष्णु। दिखा तो रहा है तीन छोटे छोटे पग, परंतु जब संकल्प लोगे तो ऐसे चरणों का विस्तार कर लेगा कि सब कुछ हरण कर लेगा, सब कुछ छीन लेगा। इसलिए ऐसा मत करो, सब कुछ खो बैठोगे। बलि राजा गुरुदेव से कहने लगा, अपने गुरु को, गुरुदेव शुक्राचार्य से कहने लगा कि गुरुदेव, बड़ी कृपा की आपने ये बताकर कि साक्षात विष्णु मेरे द्वार पर कुछ मांगने आए हैं। अरे यदि भगवान कुछ मांगने आए, मैं कितना अभागा होऊंगा कि भगवान को कुछ अर्पित ना करूं। मेरे जैसा कौन अभागा होगा? अब यहाँ पर हमारे टीकाकार बतलाते हैं, शुक्राचार्य जी की महिमा भी कुछ कम नहीं है। वो कैसे जान गए कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही है? वे कैसे जान गए? इसलिए वे गुरु पद पर आरूढ़ हैं, वे असुरों के गुरु हैं। इसलिए कह ही दिया कि ये विष्णु है। बलि राजा बड़े प्रसन्न होकर कि गुरुदेव, आज मुझको आप रोकिए मत। तो शुक्राचार्य ने शाप दे दिया, ये बलि, तुम मेरे बात का उल्लंघन करते हो, तुम अपनी सारी संपत्ति से हीन हो जाओगे। बलि राजा ने उस समय अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? गुरुदेव को तो त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु भागवत जी का वचन है, गुरु न सत्स्यात् स्वजनो न सत्स्यात् पिता न सत् स्वजननी न सत्स्यात्। जिस प्रकार बलि राजा ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को त्याग दिया, ऐसे उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो फिर गुरु हो तो कैसे हो? बोलते गुरु हो तो फिर नारद जी जैसे हो, जो ध्रुव जी, प्रहलाद जी और न जाने ऐसे कितने को भगवत प्राप्ति करवा दें। ये है सदगुरु। जैसे भाई, उस भाई को त्याग देना चाहिए जो भगवान का शत्रु और वैरी हो। जैसे विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया, परंतु भाई हो तो कैसा? बोलते जैसे विदुर जी जैसा, जिन्होंने धृतराष्ट्र को भी शासन करके उनको भगवत प्राप्ति करवा दी। हरिद्वार में जाकर धृतराष्ट्र तपस्या करने लगे और गंधारी के साथ भजन करते करते वैकुंठ गति को प्राप्त हुए। बोलते माता कैसी? माता हो तो सुनीति जैसी, जो अपने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को वन में जाते हुए रोक नहीं रही है, उनको रोक नहीं रही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सुनीति माता ने अपने पुत्र ध्रुव को रोका नहीं,
माता हो तो सुनीति जैसी, नहीं तो जैसे भरत राजा ने अपनी माता ककई का त्याग कर दिया था, ऐसे उस माता का त्याग कर देना चाहिए। बोलते पिता हो तो कैसा, पिता हो तो ऋषभ देव जैसे, जो ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को बुलाकर उनको उपदेश दे रहे हैं कि मेरे बेटाओं एक बड़े पते की बात कहता हूं, नाहम दे दे भाजम निर्लोके कष्टम कामम अर्थम विडभुजम। ये हे पुत्रो, भगवान ने यह शरीर सूकर और कुकर की तरह भोग करने के लिए नहीं दिया है। भगवान ने यह शरीर भोग करने के लिए कैसे कुत्ते और सुअर की भांति नहीं दिया, तो फिर किसके लिए दिया? पिता ऋषभ देव कह रहे हैं पुत्रो, कह रहे हैं पुत्रो, तपो दिव्यम पुत्र का, भगवान ने ये शरीर तपस्या करने के लिए अर्थात भजन करने के लिए दिया है। लेकिन पिताजी वे भजन कैसे बनेगा? बोलते ये भजन साधु संघ से ही बन सकता है। ये भजन साधु संघ से बन सकता है, महंतों के संग से ही भजन संभव पर है। इसलिए बेटाओं, महंत सेवम द्वारम अहिर्विमुक्तम तमो द्वारम योषिति संगी संगम, महंतस्ते समचित प्रशांत सुहृद साधवये। हे पुत्रो, क्या बता रहे हैं? महंतों की सेवा करोगे, भक्तों की सेवा करोगे तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, और यदि विषयों का संग करोगे तो नरक का द्वार अपने आप खुल जाएगा। लेकिन पिताजी ये मंत्र दिखते कैसे हैं, इनका आचरण कैसा है, कैसे जाना जाएगा ये मंत्र है? तो उसके संबंध में कह रहे हैं कि मानतस्ते समचित प्रशांत, मानत कैसे होते हैं? बोलते समचित जो होते हैं, जो प्रशांत होते हैं, सबके सुहृद होते हैं, साधु होते हैं। लेकिन पिताजी ये वाले गुण तो किसी एक साधारण व्यक्ति में भी हो सकते हैं, इसलिए आगे बात कही, ये व महिष्य कृत सौदार्थ अर्थ। ऋषभ देव कह रहे हैं पुत्रो, वे मेरे प्रेम को अर्थात मेरी भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ करके मानते हैं, ये महंतों का स्वभाव है। इसलिए पिता हो तो ऋषभ देव जैसे, नहीं तो जैसे किसने अपने पिता का त्याग किया, जैसे प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का त्याग दिया, ऐसे उस पिता का त्याग है। ऐसे बहुत से उदाहरण, कभी समय होने पर उसको विस्तार से श्रवण करेंगे। इस प्रकार बलि राजा ने वामन भगवान को, बलि राजा ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को त्याग दिया, कमंडल से संकल्प लेकर, जल लेकर, संकल्प लेकर उनकी इच्छा को पूर्ण करना चाहा, परंतु शुक्राचार्य कमंडल के अंदर प्रवेश कर गए। बलि राजा ने वामन भगवान ने एक कुशा घास लेकर कमंडल में जो मारा, शुक्राचार्य जी की एक आंख ही फूट गई, और तुरंत संकल्प लेकर कहा कि मैं संकल्प लेकर कहता करता हूं, मैं संकल्प लेकर कहता हूं कि
मैं आपको तीन पग भूमि दान देता हूं। जैसे संकल्प लिया वामन भगवान बलिहारी हो बलि, बलिहारी हो बलि, बलिहारी करते करते जो भीतर में त्रिविक्रम रूप छिपा पड़ा था वह त्रिविक्रम रूप प्रकट हो गया। अर्थात इतना अपने चरणों का विस्तार किया, एक चरण से समस्त पृथ्वी को, एक चरण से समस्त ब्रह्मांड को ही नाप लिया। ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से कमंडल से जल का प्रक्षालन करके उस कमंडल में भगवान के चरणामृत को धारण कर लिया, जो कि भगवती गंगा जी जो इस पृथ्वी लोक पे जो प्रवाहित होती है वही भगवती गंगा जी है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन पावनी विपुल तरंगी, यही पतित पावनी गंगा जी है जो वामन भगवान के चरणों से प्रकट हुई। हाँ, यही वामन भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। अब वामन भगवान कहने लगे, बलि बताओ दो पग में तो मैंने सब कुछ नाप लिया, बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं, तीसरा चरण कहाँ रखूं। बलि राजा भी चतुर थे, कहने लगे हे प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। वामन भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है क्योंकि वह अपनी संपत्ति का दान देता है। तो बलि राजा ने यही कहा कि हे प्रभु मैंने अभी तक संपत्ति का दान दिया था, अभी मैं तो बचा हूं, इसलिए पदम तृतीयम पुरुषे में निजम आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर धारण कीजिए। वामन भगवान चिंता में पड़ गए, मैं आया था बलि को छलने के लिए लेकिन इसके समर्पण को देखकर मैं तो स्वयं ही छला गया। भगवान नाना प्रकार से भक्तों पर आशीर्वाद करते हैं, अमृतमय दृष्टि से आशीर्वाद देते हैं, हृदय से आशीर्वाद देते हैं, किसी के मस्तक पर अपना हस्त कमल रखकर आशीर्वाद देते हैं, परंतु किसी के मस्तक पर चरणों को स्थापित करना ये तो सबके सौभाग्य में नहीं आता। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्यम प्रभु से पानी हाटी में मिलने गए तो श्री नित्यम प्रभु जी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मस्तक पर अपने चरणों को स्थापित किया। श्री नित्यम प्रभु ने शिवानंद सेन जी को अपनी उस हेतु की कृपा अर्थात चरणों को मस्तक से स्थापित कराया। ऐसे कुछ एक उदाहरण है जहां पर भगवान की विशेष कृपा का प्रदर्शन होता है। और वामन भगवान के बलि राजा के चरित्र में तो ये तो स्वाभाविक ही एक क्रिया हो गई, क्योंकि वामन भगवान ने ही कहा बताओ मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं, तीसरा चरण कहाँ रखूं। तो वामन भगवान ने बलि राजा ने कह दिया कि तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दो, जब आपने सब कुछ ले ही लिया तो फिर मैं ही कहाँ रहा, मैं भी फिर आपका ही हो गया। इसलिए वामन भगवान रिझ गए, प्रसन्न हो गए। बलि राजा को नागपाश में बांध दिया था और इतने में बलि राजा की कन्या वहां पर आकर बलि राजा की पत्नी वहां पर आकर वामन भगवान से कुछ कहने आई। बोलते हैं प्रभु मेरे पति ने आपको कुछ दान नहीं दिया, इन्होंने समर्पण किया है। दान तो उसका दिया जाता है जो हमारी वस्तु हो
जिसके स्वामी हम हो और हम किसी को अर्पण करें, उसको दान दिया जाता है। दान उसको दिया जाता है जो हमारे से छोटा हो। और सेवा किसकी की जाती है? जो हमारे से बड़ा हो। हम भगवान को, हम गुरुजी को दान नहीं देते। क्या गुरुजी भगवान हमसे छोटे हैं? नहीं, वे श्रेष्ठ वस्तु हैं, इसलिए उनको दान नहीं दिया जाता। दान अपने से छोटे वाले को दिया जाता है। दान अपने से छोटे वाले को दिया जाता है और सेवा अपने से बड़े वालों की जाती है। तो गुरु जी की और भगवान की हम सेवा करते हैं, उनको दान नहीं देते। तो वामन भगवान, बलि राजा की पत्नी ने आकर कहा, मेरे स्वामी ने, मेरे पति ने आपको दान नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास तो अपना कुछ है ही नहीं जो हम दान दे सके। सब कुछ तो आपका ही है। आपने अपनी वस्तु, मेरे स्वामी से अपनी वस्तु को ही आपने ले लिया है। ये तो वैसी बात होती है जैसे घर में एक नौकर होता है। स्वामी नौकर को कहता है, अरे हमारे लिए जल लेकर आओ। तो वो गिलास में जल लेकर आता है। बोलते ऐसे नहीं, चांदी के गिलास में लेकर आओ। तो वो चांदी के गिलास में लेकर आता है। बोलते ऐसे नहीं, ट्रे में रखकर लेकर आओ। स्वामी ने जैसा जैसा कहा, नौकर ने वैसा वैसे ही किया। अर्थात यहां पर भी यही बात है। आपने कहा तीन पग भूमि दान चाहिए। मेरे स्वामी ने अर्थात बलि राजा ने देने का प्रयास किया। आपने कहा ऐसे नहीं, संकल्प लेकर चाहिए। तो प्रभु संकल्प लेकर ले लो। आपने जैसे जैसे मांगा, इन्होंने वैसे वैसे ही दिया। वास्तव में इन्होंने दान नहीं दिया, इन्होंने समर्पण किया है। आपकी वस्तु ही आपको समर्पण की है। वामन भगवान भी विचार करने लगे, ये मैं कहाँ आ गया? ये असुर कुल है जहां पर बलि तो आत्मसमर्पण करने में तनिक भी संकुचित नहीं होता, और पत्नी भी ऐसी कि सब कुछ नेछावर हो जाए तब भी चिंता नहीं, सब कुछ देने के लिए तत्पर है। तो वामन भगवान ने बलि राजा से कहा, हे बलि, ये स्वर्ग इंद्र लोक मुझको अर्पण कर दो। प्रभु आपने तो ले ही लिया है, इसलिए हे बलि, मैं तुमको रसतल का स्वामी बनाता हूं, जिसकी वांछा, जिसकी इच्छा देवता भी करते हैं। वह रसतल मैंने तुमको प्रदान किया, लेकिन आगामी मनवंतर में, अर्थात अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनकर आओगे। समझ रहे हैं? जैसे इस मनवंतर में जो इंद्र हैं, उनका नाम पुरंदर है। हर मनवंतर में जो इंद्र होते हैं उनका नाम बदला जाता है, अर्थात अलग अलग इंद्र होते हैं। इस मनवंतर में जो इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर है। अगले मनवंतर में जो इंद्र होंगे वे बलि राजा होंगे। इस पूरे प्रसंग में इंद्र को क्या प्राप्त हुआ और बलि राजा को क्या प्राप्त हुआ? इंद्र को अपना खोया हुआ राज्य ही प्राप्त हुआ बस, लेकिन बलि राजा को आत्मसमर्पण करने से तीन वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। आज हम कथा का अधिक विस्तार नहीं करेंगे, संक्षेप में ही जो गुरुजी से सुना और संक्षेप में ही जब मठ में आए तो पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी, पूज्यपाद माधव महाराज जी इत्यादि सब भक्त लोग, सन्यासी वृंद, जो गुरुजी से श्रवण किया वे कथा कहते
और हम उनसे सुनते थे। आज बड़े ये दुखद समाचार हम सबको प्राप्त हुआ है। जैसे विश्वास ही नहीं होता कि ये बात सच है। हरे कृष्णा। इंद्र को मात्र अपना खोया हुआ स्वर्गलोक ही प्राप्त हुआ, परंतु बलि राजा को उस भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने से सूतल लोक का राज्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ भगवान ने यह भी घोषणा कर दी कि अगले मन्वंतर में आप इंद्र बनकर आओगे, ये भी प्राप्ति हुई। परंतु इन दोनों वस्तुओं से भी एक श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हुई है। बहुत से लोग सूतल लोक का राजा बनने के लिए ललायत रहते हैं, बहुत से इंद्र लोक में इंद्र बनने के लिए ललायत होते हैं, परंतु बलि राजा भले ही असुर कुल में आए हैं, परंतु आत्मनिवेदन के द्वारा बलि राजा परम भक्त श्रेणी में आते हुए उन्होंने इन दोनों वस्तुओं को तुच्छ ही माना। किसको श्रेष्ठ माना? उन्होंने जो उनके मस्तक पर वामन भगवान के चरण कमल स्थापित हुए हैं, उन वामन भगवान की कृपा को ही, उनके चरण कमलों को ही श्रेष्ठ माना है, उनको ही श्रेष्ठ माना है। गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन करने से किसी प्रकार का कोई हानि, कोई अभाव नहीं होता। जिन्होंने अपना सब कुछ गुरु जी को निछावर कर दिया, जिन्होंने अपने किसी प्रकार की भी सुध-बुध ना रखते हुए अपना खान पान, रहन सहन सब, अपना विश्राम इत्यादि को भी सब कुछ त्याग करके गुरु चरणों में जीवन को समर्पित किया, किसी प्रकार का अभाव या हानि नहीं, सब प्रकार का मंगल और भगवान की भक्ति उनका सानिग्ध्य ही प्राप्त करता है। वामन भगवान के श्री बलि राजा के आत्मसमर्पण से बहुत प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है, बहुत प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए श्री वामन भगवान ने अपनी माता अदिति का कार्य पूर्ण किया, जिस कारण से वे आविर्भूत हुए, वे प्रयोजन सिद्ध किया। और दूसरी ओर बलि राजा सूतल लोक में जो पहुंचे, वामन भगवान से प्रार्थना की कि आप भी मेरे साथ चलिए। श्री वामन भगवान भक्ति के उस समर्पण के इतने वशीभूत कि सूतल लोक के द्वार पर ही विराजमान हुए, जहां पर बलि राजा निरंतर उनका दर्शन प्राप्त करता रहता है। इसलिए आत्मसमर्पण की शिक्षा इस चरित्र से प्राप्त होती है। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्तिसाम सिंधु में वर्णन किया है, भ्रमनंद भवतेषु चेति प्रादि दूरीकृता नैति भक्ति सुकामोदो प्रमाण तुलनमपि। गुरु चरणों में समर्पण करने से, जो कि एक ही मात्र उपाय है
भगवान को समर्पण करने का, भगवान को स्वतंत्र रूप से कैसे समर्पण किया जाएगा, भगवान क्या है जानते ही नहीं, तो भगवान की अनुभूति तो है ही नहीं। सारा दिन सारा जीवन इंद्रियों से, मन से और मन के विकारों से ही उलझते उलझते जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है, ऐसे समाप्त हो जाता है। परंतु जहां पर भक्तियों ठाकुर जी कहते हैं, आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हई नु परम सुखी, दुखे दूर गेलो चिंता ना रही वो चौधरी के आनंद देखी। श्री भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, हे प्रभु आत्मनिवेदन तुआ पदे करी, आपके चरणों में जो आत्मनिवेदन किया उसी दिन इसकी उपलब्धि हो गई कि चारों ओर मुझको आनंद ही आनंद प्रतीत होता है, सभी प्रकार के दुख दूर चले गए और कोई चिंता ही नहीं रही, चारों ओर एक परम सुख और आनंद की ही अनुभूति होती है। इसलिए यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथितं प्रकाशं ते महात्मना। ये आत्मसमर्पण गुरु चरणों से ही आरंभ होता है और वही तो एकमात्र सिद्धि का द्वार है, जहां पर ये कहा गया श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा। श्री गुरुदेव के चरण कमल ही तो एकमात्र केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति, निर्गुणा अमल भक्ति प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। फिर इसका अर्थ कि एकमात्र भक्ति वहीं से ही प्राप्त है, वही उद्गम स्थान है। इन वामन भगवान, श्री वामन भगवान श्री बलि राजा के इस चरित्र को सुन हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वैसी समर्पण की भावना, श्री गुरु चरणों में समर्पण की भावना और वे प्रेरणा वे हमको भी प्राप्त हो। बोलो श्री वामन भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आप लोग कीर्तन करो, एक एक कीर्तन सुनाइए सुंदर गोपाल गुरु जी, एक महामंत्र सुनाइए। Hare Krishna.
Thank you.
Thank you.
वामन भगवान एवं अन्य अन्य अवतार, ये सब अवतार समूह हैं, किंतु अवतारी तो श्री कृष्ण हैं। इसलिए दशमे दशमम, लक्ष्मे आश्रित आश्रित विग्रहम, कृष्णाख्यम परम धाम, जगत धाम नमामि। नवम अध्याय, नवम स्कंद तक भगवान के अवतारों की कथा का वर्णन हुआ, परंतु दशम स्कंद में श्री अवतारी श्री कृष्ण के संबंध में वर्णन हुआ। भागवत जी के आरंभ में ही कह दिया गया, जन्मादस्य यतः, भागवत जी एक ऐसा उत्सव है जहां पर जो अजन्मा है वह जन्म लेकर दिखला रहा है। जो अजन्मा है वह जन्म ले रहा है। अजन्मा कौन बोलते हैं? जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, वे हैं भगवान, जिनका इस संसार में मात्र आविर्भाव और अंतर ध्यान होता है। ऐसे ही भगवान किस कारण से इस पृथ्वी पर आते हैं? गीता जी में कहा, परित्रनाय साधुना विनाशद पुष्कृता, धर्म संस्थापनाय। गीता जी में कहा, साधुओं को परित्राण करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भगवान आकर पुनः धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। परंतु ये सब कारण भगवान के आने के ये मुख्य कारण नहीं, ये गौण कारण है। भगवान के आने का मुख्य और गौण कारण होता है। मुख्य कारण क्या है? वो तो मुख्य कारण में बतलाया, प्रेम रस निर्जास खोरिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके खोरिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई इच्छा ताद उद्गम। अपने भक्तों के साथ, अपने ब्रजवासियों के प्रेम का आस्वादन करना और उनको प्रेम का आस्वादन करवाना, ये भगवान के आने का मुख्य कारण है। तो ये क्या अपने निज धाम श्री गोलोक वृंदावन में क्या वहां संभव पर नहीं है? वहां संभव पर है, फिर इस पृथ्वी लोक पर, इस धरातल पर क्यों आया जाता है? श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतामृत में वर्णन करते हैं कि वैकुंठ आदे ये लीला नाही प्रचार, से लीला खोरी वो जाते मोर चमत्कार। वैकुंठ आदे का अर्थ, वैकुंठ और श्री गोलोक में भी जो जो लीला विद्यमान तो है, लेकिन उसका विशेष प्रचार नहीं, वे लुप्त अवस्था में है। परंतु वही लीला भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो उसका विस्तार करते हैं। जैसे जन्म लीला, जैसे गमन गमन लीला, वृंदावन से द्वारका जाना, मथुरा जाना, ये जो लीला है वहां पर एक भाव के रूप में विद्यमान रहती है, परंतु वही भाव एक रूप धारण करके इस जगत में
ना, वही भाव जो वहां पर होता है उसको यहाँ पर अपनी क्रीड़ा के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा विस्तार करते हैं। असुर मारण लीला, पूतना, शक्तासुर, अगासुर, वकासुर इत्यादि जितने असुरों को मारना है, ये सब भाव रूप में श्री गोलोक लीला में विद्यमान है। कभी श्री कृष्ण पूतना को मारा था, बस एक भाव है, परंतु वही भाव इस जगत में एक रूप धारण करके आता है, अर्थात पूतना सच में ही आ जाती है और श्री कृष्ण उस पूतना को मारकर मात्र उचित गति प्रदान करते हैं। और इतनी बड़ी पूतना की छाती पर छोटे से 6 दिन के बालक श्री कृष्ण श्री गोपाल यदि खेलते हुए प्राप्त होते हैं तो यशोदा मैया के अंदर भाव, यशोदा मैया के भीतर नाना प्रकार के भाव उमड़ जाते हैं। ब्रजवासी भी चिंतित हो जाते हैं और जो सबके रक्षा करता है, सबको पालन करने वाले वे श्री कृष्ण उनके पालन करने की और उनकी रक्षा करने की चिंता करने लग जाते हैं समस्त ब्रजवासी। इसलिए उस चिंता में और उस भाव, उस विवल अवस्था में उनको सुख की प्राप्ति होती है। यही सुख, यही प्रेम सुख, यही आनंद सुख के लिए भगवान इस धरातल पृथ्वी पर अपने ही परिकर के साथ, अपने ही श्री वृंदावन धाम के साथ अवतीर्ण होते हैं। ये भगवान के आने का मुख्य कारण है। और जब यहाँ पर आएंगे, अपने ही परिकर के साथ लीला विनोद करेंगे, तो साधारण जन समुदाय ये भगवान के साथ उनके परिकरों का जो आदान प्रदान, वे प्रेम का जो आस्वादन, उसको देखकर उनके हृदय में भी एक लोभ जाग जाएगा, क्या हम भी इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। रागनुगा भक्ति का जो कारण वह ये लोभ ही तो है, और है क्या? इसलिए रागात्मिका अनुस्मृत्या साच रागनुगा उच्चते, उन रागात्मिक भक्तों का सेवा परिपाटी, उनके प्रेम का स्वादन देखकर लोभ जाग जाता है और यही लोभ ही रागनुगा भक्ति का प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। इसलिए राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारण, लोगों में उस राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करने के लिए इस कारण से भगवान आते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य कारण भी है और गौण कारण भी है। साधन काल में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, भाव अवस्था तक स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति होती है। परंतु जब प्रेम स्थिति को प्राप्त किया जाता है तो फिर उस ब्रह्मांड में गोपी गर्भ से जन्म होता है, जहां पर श्री कृष्ण अपने परिकर के साथ आए हुए हैं। श्री कृष्ण अपने परिकर के साथ जहां पर आए हैं वहीं पर ही जन्म होता है और फिर वस्तु सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनको वस्तु सिद्धि प्राप्ति में सहायक बनाने के लिए, सहायक बनने के लिए श्री कृष्ण अपने परिकर के साथ आते हैं।
जिनको स्वरूप सिद्धि प्राप्त है उनको वस्तु सिद्धि भी प्राप्त हो, यही तो भगवान की करुणा है। जो आत्म राम मुनि है, आत्म रमनिश्च मुनियो निर्गंथि अपि कुमे कुर्वेन्तु एतु की भक्तिम इत्थम भूतो गुणो हरि। जो आत्म राम आत्मा में ही रमन करने वाले उनको भी अपनी लीला इत्यादि का विस्तार करके उनको अपनी ओर आकर्षण करना, ये भी भगवान के आने का एक कारण है। और अवतारों में जो जो लीलाएं अधूरी रह गई थी या फिर जिनके साथ आदान प्रदान पूर्ण नहीं हो पा रहा था किसी मर्यादा के कारण या अन्य उपायों के कारण, उन सारी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए उन समस्त लीलाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं। जैसे अभी अभी वामन भगवान की कथा सुनी, वामन भगवान की कन्या ने छोटे से बालक वामन को देखकर हृदय में स्नेह वात्सल्य भाव उमड़ आया और मन में विचार किया, ये बालक को गोद में लेकर दुग्ध पिलाने की लालसा जागती है, वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। परंतु जब देखा वामन भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया तो वही कहने लगी, ये तो घोर कपटी है, इसको तो विष पिलाकर मार देने की इच्छा प्रकट होती है। इसी वामन भगवान की कन्या की इस इच्छा को पूर्ण किया, कब पूर्ण हुआ, उदय श्री कृष्ण लीला में पूर्ण हुआ, जहां पर यही पूतना बनकर आई और श्री कृष्ण को उन गोपाल को विष पिलाकर मारने की इच्छा प्रकट की। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया और फिर हर वर्ष एक स्वर्ण सीता का निर्माण करके जो यज्ञ इत्यादि किए, उन समस्त स्वर्ण सीताओं की इच्छा को पूर्ण किया, उन सब की इच्छा की श्री राम हमको स्वीकार करें। परंतु राम जी एक पत्नी व्रत हैं और किसी को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए उस मर्यादा के बंधन में जो बंधे श्री राम जी ने उन स्वर्ण सीताओं को भी अंगीकार नहीं किया और वे सब की सब राजलीला में प्रविष्ट हुई, श्री कृष्ण ने उन सबको स्वीकार किया। और दंडकारण्य में ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण कितना कहीं। आज भागवत जी का चतुर्थ दिवस, श्री वामन भगवान की कथा को श्रवण किया और श्री कृष्ण जन्म रहस्य, श्री कृष्ण जन्म कथा को हम श्रवण करते, भगवान के आने के कुछ कारण उल्लेख किए, यूं तो अनेक और भी बहुत से कारण हैं, सब गुरुदेव से श्रवण किए, उसी को ही कहने का प्रयास मात्र किया। बाकी कंस के अत्याचार से देवकी जी के गर्भ में अष्टम बालक श्री कृष्ण, जिनको गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से जो जुड़वा संतान एक बालक एक बालिका का जो जन्म हुआ, वसुदेव जी टोकरी में धारण करके उन देवकी नंदन कृष्ण को गोकुल में ले आए और यशोदा नंदन कृष्ण और देवकी नंदन कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप को प्राप्त हो गए। इस प्रकार चतुर्थ दिवस की जो कथा, श्री कृष्ण जन्म कथा,
जहाँ पर श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ और जहाँ पर मथुरा में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और जहाँ पर गोकुल में उनका जन्म हुआ। श्री गुरुदेव जन्माष्टमी के अवसर पर विद्वत सभा बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर इसका विस्तार से इसका विवेचन करते और इसका मंथन किया जाता, जहाँ पर बड़े बड़े पंडित भी इस बात को ही स्थापित करते श्री कृष्ण मथुरा में ही जन्म लिए। परंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव श्रीमान महाप्रभु जी एवं गोस्वामी वर्गों का, श्रील प्रभुपाद जी का, परम गुरु जी का और हमारे श्री गुरुदेव का जो विचार कि श्री कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं लिए, वहां पर तो एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ है, जहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री कृष्ण प्रकट हुए, वहां प्राकट्य हुआ है और गोकुल में उनका जन्म हुआ है। जब सभी विद्वान, बड़े बड़े सप्त तीर्थ इत्यादि पीएचडी करने वाले, शास्त्र को जानने वाले भी जब मथुरा में ही श्री कृष्ण का जन्म इसी बात को स्थापित करते, परंतु गुरु जी स्वयं और हमारे भक्त जनों के माध्यम से, हमारे महाराज लोग जो शास्त्र में कितने प्रांगण, विशेष करके गुरु जी श्रीपाद तीर्थ महाराज जी को खड़ा करते और महाराज जी कितने श्लोकों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा इस बात को, गुरुदेव के ही विचार को जो उनके मुख से श्रवण किया उससे स्थापित करते कि कैसे श्री कृष्ण का गोकुल में ही जन्म हुआ। भागवत जी के उदाहरण से श्री ब्रह्मा जी की स्तुति, नोमेड्यते अव्रपुषु तड़िदंबराया, इन श्लोकों के द्वारा श्री गर्गाचार्य जी के नामकरण संस्कार के माध्यम से, तस्म नंद आत्मजम ते नारायण समगुणा, श्री सुखदेव गोस्वामी जी के श्लोक नंद उत्सव के प्रथम श्लोक में ही तस्मन नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात हलाद महामन और जयति जन निवासो देवी जनवादो, ऐसे और कितने सारे उदाहरण हम उस समय शिल महाराज, शिल गुरुदेव के मुख से श्रवण करते और महाराज जी, शिल गुरुदेव हमारे महाराज लोगों को खड़े कर सारे विद्वानों को आश्चर्यचकित कर देते, क्योंकि भागवत जी के श्लोकों से बात स्थापित होती है कि श्री कृष्ण का गोकुल में जन्म हुआ, ये श्री यशोदा नंदन है, देवकी नंदन अलग है, यशोदा नंदन अलग है, ये एक कृष्ण जन्म का रहस्य है। इसलिए आज कथा को यहीं पर विराम देते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, प्रयास करेंगे कल कुछ श्रवण करेंगे, आज कथा को यहीं पर ही प्रणाम और हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीपाद भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी के चरणों में हम अपनी भाव रूपी पुष्पांजलि को अर्पण करते हैं। वे हम पर आशीर्वाद करें, कृपा करें। आज कथा का यहीं पर विराम करते हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हमारे भक्त लोग कुछ महामंत्र का कीर्तन करें और कथा को यहीं पर आज विराम करते हैं। हरे कृष्णा।
विष्णु भगवान